चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 की खास खबरों पर। पटना में सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से फूलों की वर्षा कर कोरोना वॉरियर्स को दिया सलामी। एम्स एनएमसीएच सहित कई अस्पतालों में रविवार को आसमान से किया फूलों की बारिश। बिहार में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना वायरस, अब तक बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 503 के पार। नवादा जिले के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित 3 मरीज हुए पूरी तरह ठीक, प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल से मिली छुट्टी। लोकपाल के न्यायिक सदस्य अजय कुमार त्रिपाठी के निधन पर विक्रम निवासी समाज सेवी धनु कुमार ने किया गहरी शोक संवेदना व्यक्त। विक्रम के जुआ राजद प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव ने किया जरूरतमंदों में राशन का वितरण। आज से तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू, नहीं मिलेगी कोई छूट, पहले चरण लॉकडाउन की तरह ही रहेगी, तीसरे चरण का लॉकडाउन जारी। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है, तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था, आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। पटना सिटी के रानीपुर वार्ड नंबर 61 में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों में किया सूखा राशन सामग्री का वितरण। नवादा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर अकारण सड़कों पर बाइक से मटर गश्ती करने वालों का बाइक किया जब्त। नवादा में साइकिल से पहुंचे दर्जनों लोगों के जत्थे को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को एसडीओ ने किया रवाना। अरवल जिले के कुर्था में मोटरसाइकिल सवार प्रेमी जोड़े ने होमगार्ड जवान को मारा धक्का, जवान बुरी तरह घायल। अरवल जिले के कुर्था थाना परिसर में कोरोना से जंग जीतने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने जनप्रतिनिधियों को दिया प्रशिक्षण। नवादा के रजौली बाईपास में झारखंड से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने रजौली की तरफ से जा रही ट्रैक्टर में मारी टक्कर, कोई हताहत नहीं। नवादा के एलएस कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर का जिला अधिकारी यशपाल मीना ने लिया जायजा, मौके पर कई अधिकारी गण रहे मौजूद। कोटा से बिहार के लिए चली पहली स्पेशल ट्रेन, छात्रों को लेकर सुबह 5:30 बजे पहुंची बरौनी स्टेशन। प्रदेश में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक के लिए घोषित, बिहार में नहीं होगा कोई ग्रीन जोन, सिर्फ रेड और ऑरेंज, लॉकडाउन 3 में जारी रहेगी सख्ती।